मेरे दिमाग में तो एक ही वर्ड आ रहा है, गुरु हो गया तेजी से शुरू। मैं जन्म हुआ था ना तब मैंने सबको काम पे लगा दिया था। आपके गुरु कौन? तो अब मेरे गुरु हैं गुरु नानक देव जी, और वहीं से सब कुछ आया है और वहीं सारा कुछ उन्हीं का है। डेब्यू भी हो रहा है पंजाबी? हाँ, मेरी पंजाबी फिल्म पहली है, तो आई एम ऑन माइनस राइट नाउ। आई जस्ट वांट टू ऐड प्लस वन एवरी डे टू माय जर्नी ऑफ मूवीज, और मेहनत करूंगा और मेहनत। अच्छा, हाउ गुरु मोटिवेट्स? बस बिजी रहते हैं। फेवरेट गाड़ियां कौन सी है? फेवरेट गाड़ियां जो भी फ्री में मिल जाए। पंजाबी सिंगर का गाड़ियों को लेके जो ऑब्सेशन है वो इतना जबरदस्त क्यों है? क्योंकि जिसने जो चीज नहीं देखी होती जब वो अचीव करता है वो प्राउडली उसको फील करता है। इतना कुछ आप कर रहे हो तो मेरे दिमाग में तो एक ही वर्ड आ रहा है, गुरु हो गया तेजी से शुरू। हाँ, मतलब कब का, मुझे लगता है जब मेरा जन्म हुआ था ना तब मैंने सबको काम पे लगा दिया था। मैं खुद भी काम पे लग गया था, वही काम कर रहा हूँ और रोज काम करना चाहता हूँ। और आई जस्ट वांट टू वर्क एवरी डे ब्रो, लाइक मेरे को लगता है मैंने अभी कुछ नहीं करा है लाइफ में, मेरे को लगता है अभी मैंने बहुत कुछ करना है और रोज काम करता रहूँ बस, मेरे को ये लगता है। तो आप लिटरली गुरु बन गए, मतलब सारे काम आप पा में यू विल बी मेंटरिंग। या गुरु को गुरु बन के कैसा लगा? अच्छा लगा यार। मैं गुरु तो नहीं बना सिंगर्स का, बट ये मैं यहाँ पे खुद सीखने आया हूँ, मैं यहाँ पे खुद एक नया एक्सपोजर लेने आया हूँ, और इट्स अ वेरी बिग थिंग फॉर मी टू बिकम मेंटोर। और व्हेन यू से दैट जजिंग पैनल, उसके ऊपर बैठना, वो भी इतने बड़े शो सारे का मैं पाकर, जिसको सारी दुनिया देखती आई है, जिसको देख के बहुत शोज बने हैं, सिंगर्स बने हैं शोज बने हैं, और इंडिया को बहुत सारा टैलेंट सारे का मैं पाने दिया है, और उसी जर्नी का पार्ट अभी मैं बनाऊँ और हम भी अच्छा टैलेंट ढूंढ रहे हैं, और होपफुली विल गिव यू अ ग्रेट आर्टिस्ट आउट ऑफ सारे का मैं पार्ट 2024। अच्छा, आपके गुरु कौन? गुरु तो अब मेरे गुरु हैं गुरु नानक देव जी। गुरु नानक देव जी को आज भी आप? वो वहीं से सब कुछ आया है और वहीं सारा कुछ उन्हीं का है। अच्छा, अभी जैसा कि मैंने कहा बहुत कुछ, तो 10 सिटीज में यू आर गोइंग टू टूर, जिसमें 7 नई हैं 3 पुरानी हैं। तो जो सिटी टूर होते हैं कितना एड्रेनलिन, कितना बड़ा मजा, मजा इसमें क्या होता है, हर शहर के जो आपको चाहने वाले हैं वेट कर रहे होते हैं आप उनके शहर कब आओ, और आप ऑडियंस को 1-to-1 मिलते हो, आपको जो गाने उन्होंने सालों से सुने हुए होते हैं, पुराने नए जिन गानों को सुन सुन के वो उन्होंने अपनी ज़िंदगी के खुशी वाले मोमेंट्स सैड मोमेंट्स निकाले होते हैं, जब वो उनको मैं देखता हूँ स्टेज से, वो मेरे को देखते हैं जब ऑडियंस स्टेज पे, तो एक अलग कनेक्शन बनता है। और इस साल वी आर मेकिंग इट वेरी बिग, मैंने अभी एक बार इंडिया टूर करा हुआ है 2018-19 में, वेरी सक्सेसफुल विद टूर वी डिड, उसके बाद अब जा रहा हूँ 6 साल बाद सारी सिटीज में शो करने, और बहुत बड़ी स्टेज लेके जा रहे हैं हम लोग, और एक ही स्टेज सारी सिटीज में जाएगी, जो IGI स्टेडियम दिल्ली में एक्सपीरियंस होगा वही इंदौर में एक्सपीरियंस होगा, वही कोलकाता में होगा, और बेंगलोर में। तो ये मतलब ऐसा कुछ प्लान दिल्ली में आने वाले हैं, मतलब मुझे फोन आने वाले हैं कि पासेस का जुगाड़ करवा, आप जुगाड़ करवा के दो सबका, सबकी ब्लेसिंग्स लो और उनको बोलो आ जाओ शो करने। और डेब्यू भी हो रहा है पंजाबी में, शाको में, शाको 4 अक्टूबर को कर रहा हूं, और आई एम एक्साइटेड उसके लिए। एक्टिंग में ज्यादा मजा आता है या सिंगिंग? देखो सिंगिंग में ही ज्यादा मजा आएगा लाइफ टाइम, क्योंकि सिंगर के बाद ही एक्टिंग का ऑफर मिला है, बट एक्टिंग मेरे लिए भी वो वाला, जैसे मैं 2015 में जब सिंगिंग का पहली बार शुरू करा, हिट करा, वो अभी मेरा फेज एक्टिंग का चल रहा है, और मैं अभी एक्टिंग में बिल्कुल माइनस पे चल रहा हूँ, मेरी कोई फिल्म नहीं आई, एक फिल्म आई है कुछ खट्टा हो जाए, उसमें बहुत अच्छे रिव्यूज़ मिले मेरे को सारी ऑडियंस से जिन्होंने मूवी देखी, और अभी ये मेरी पंजाबी फिल्म पहली है, तो आई एम ऑन माइनस राइट नाउ। आई जस्ट वांट टू ऐड प्लस वन एवरी डे टू माई जर्नी ऑफ मूवीज, और मेहनत करूंगा और मेहनत करूंगा। माइनस क्यों, प्लस वन तो हो गया, एक पिक्चर तो आ गई। नहीं मतलब मैं वैसे बोल रहा हूँ, एज एन एक्टर नहीं होता कि अभी यू सेइंग कि इट्स जस्ट यू वांट टू लर्न सिंगिंग में, तो मैं वही बोलूंगा बट जब आप देखो ना 2015 में आप नहीं जानते थे, तब पहला गाना आया लोग कहते हो
नया लड़का है, फिर आया तो कितनी बार कितने सुपर हिट गाने 30-35 गानों के बाद लोगों ने जाके एक्सेप्ट करा है ना। तो सेम अब मूवीज का है कि मैं मेहनत करता रहूंगा जब तक लोगों को अच्छा लगता रहे। बंजा तू मेरी रानी आपने कॉलेज की एक लड़की के लिए बनाया था ना गाना, जो आपको छोड़ के चली गई थी, बाद में उससे फोन किया था। ये था क्योंकि मैंने आपकी एक बायोग्राफी बनाई थी, उसमें मैंने ये किस्सा डाला, फिर मैंने बाद में कहीं आपके मुंह से सुना, तो मुझे लगा जब आप मिलोगे ना तो आपसे पूछूंगा। चेन स्मोकर के साथ कोलैब भी हो रहा है, अभी आ गया उसका गाना, अभी हम वीडियो शूट करेंगे उसका, और वो काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी रही मेरे लिए, एंड आई लव वर्किंग विद देम। अभी हम वीडियो शूट करने जा रहे हैं उस गाने का। अच्छा, हाउ गुरु मोटिवेट्स, कैसे खुद को पंप अप कैसे रखते हैं? रोज बिजी रहके, रोज बिजी रहके, और कोई तरीका नहीं, और कोई तरीका नहीं। फेवरेट गाड़ियां कौन सी हैं? फेवरेट गाड़ियां जो भी फ्री में मिल जाए, जो भी वीडियो शूट पे ले आए प्रोडक्शन वाले। एक लेकिन पंजाबी सिंगर का गाड़ियों को लेके जो ऑब्सेशन है वो इतना जबरदस्त क्यों है? एक क्योंकि जिसने जो चीज नहीं देखी होती जब वो अचीव करता है वो प्राउडली उसको फील करता है। ये हम अकेला पंजाबी सिंगर्स का नहीं है, दुनिया के हर एक बंदे का है। पंजाबी म्यूजिक में जिस तरह से दिखाया जाता है ना, वो दिखाना छू जाता है। ऐसे तो आप देखो ना, आप सलमान सर की कोई फिल्म देखो, शाहरुख सर की फिल्म देखो, हम तो गाड़ियां खड़ी करते हैं लाके, वो तो उल्टाते हैं वो गाड़ी तो उड़ते हैं। रोहित शेट्टी तो एक्सपर्ट है, कौन हुआ फिर ज्यादा, किसका हुआ? जिस स्वैग के साथ गाड़ियां दिखाई जाती है ना आपके गानों में, वो एक अलग। हाँ, बट गाड़ी तो हर एक नॉर्मल इंसान की ग्रोथ जो होती है, जब आप एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, उससे भी ब्लो से आते हो, तो आप इन चीजों को ब्लेसिंग्स मानते हो अपनी लाइफ में। आपको अच्छा फील होता है, आप अपने डैड को जाके, मॉम को जाके गाड़ी की चाबी देते हो, फिर अगले साल आप और मेहनत करते हो, फिर और बड़ी गाड़ी की चाबी देते हो। ये तो आई थिंक अच्छी बात है, तो सबके लिए पैशन होना चाहिए, ताकि आप अपनी फैमिली की हालत चेंज करो, अपने आसपास अपने मॉम डैड की हालत, उनका ख्याल रखो, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए इतना लाइफ में कराया जो आप यहाँ तक पहुँचे हैं। तो वाई नॉट, मैं तो कहता हूँ प्राइवेट जेट की चाबी भी दे हमारे पंजाबी हों या इंडियंस हों, अपने माँ बाप को किसी भी शहर में हो, आप प्राइवेट जेट की चाबी दो यार, तो मज़ा तो उसको आता है। लास्टली, गुरु का सबसे बड़ा सपना क्या, जो आने वाले टाइम में यू थिंक यार ये काम तो मैंने करना है? सक्सेस तो मिली रही है, अच्छा काम भी हो रहा है, उसके अलावा एक चीज होती है जो दिमाग में रहती है कि यार नेक्स्ट गोल ये। नेक्स्ट गोल ऐसा मैं ऐसा सोचता नहीं हूँ, मेरा थिंकिंग प्रोसेस ऐसा नहीं है कि अब ये करूँगा तो मैं संपूर्ण हो जाऊँगा। तो मैं अपने आप को अधूरा रखता हूँ लाइफ में, और ना ही इतना ज़्यादा सपनों की दुनिया में जाता हूँ। हाँ, बट मैं जैसे भी मूवीज़ में कंसंट्रेट कर रहा हूँ, तो मेरे को लगता है कि मैं अच्छी मूवीज़ बनाऊँगा और उसको मैनिफेस्ट कर रहा हूँ आजकल। तो आने वाले टाइम में अच्छी मूवीज आने वाली हैं, और बाकी सारे गामा से आप अच्छा टैलेंट तो लाने ही वाले, सारे गामा और नेक्स्ट लेवल। और मुझे लगता है हर एपिसोड में आपका गाना तो सुनने को मिलेगा ही मिलेगा, उसके बिना तो मतलब अगर गुरु बैठे हैं तो कुछ तो गाना ही पड़ेगा। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर न्यू शो। थैंक्स अ लॉट।